नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन एंड रविंदर पंचोली जी। बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मुद्दे ही कुछ ऐसे थे मोदी जी हैं कि ना सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं। हमने भी सोचा छुट्टियों का दिन है, 3 दिन की लंबी छुट्टियां हैं, तो आपके साथ गुफ्तगू की जाए। शुरुआत करेंगे, ये मोदी जी का डीएनए क्या है? सर पहले कश्मीर चले गए, कश्मीर में वहां पे सबको धोखे आ गए, ओपन जीप में गए हैं जहां पर कि बड़े छुपके छुपके लोग जाते थे। वहां से चले गए रिपब्लिक टीवी के प्रोग्राम में, उसके बाद भी उन्होंने पूरे भारत के 10-15 चक्कर मार लिए हैं और कल असम पहुंच गए और आज सुबह सैर कर मॉर्निंग वॉक करी है नेशनल पार्क में। सर पहले वीडियो दिखाओ कि पहले आप टिप्पणी करेंगे। देखिए, हमने जो टाइटल दिया है, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है, इसका मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जो जल्दी जागता है वो दूसरों से हमेशा आगे रहता है। अगर मोदी जी 4 बजे जागते हैं और अमूमन आदमी 7 बजे उठता है, तो वो 3 घंटे हर व्यक्ति से ज्यादा रहते हैं। 1 महीने में 90 घंटे, साल भर में कितने घंटे आगे हो गए, उनकी सोच कितनी आगे चलती है। उनकी उम्र 73 साल की है, आप कैलकुलेट कर लें कि वो कितने साल आगे की सोच के चल रहे हैं। ये बिल्कुल सही पुरानी बात है, कहावत है, नई कहावत नहीं है। बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। ने अर्ली टू उसको बेड, छोड़ दिया अमल करना। अर्ली टू बेड, अर्ली टू गेट बेड, अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एडवाइस, ये तो हमने बचपन में सुना है। अब मोदी जी सैर कर रहे हैं नेशनल पार्क में असम में, थोड़ा सा देखते हैं फिर बात करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफारी का लुत्फ उठाते नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने, सफारी का लुत्फ उठाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज उनके असम दौरे का दूसरा दिन है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की। देखिए, कल से ही 8 मार्च से 2 दिन के असम दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में बीती रात वो उन्होंने वहीं पर गुजारी। और आज देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सर अर्ली मॉर्निंग सफारी पे चले गए, मतलब कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब ये क्या हालत है। मुझे लगता है शुक्र है इन्होंने ये नहीं बोल दिया ना मैं शादी करूंगा ना किसी को करने दूंगा, उससे पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाती। मुझे लगता है यही नारा रह गया था एक। देखिए, वो कल शाम को पहुंचे और रात को रोड शो भी उन्होंने किया है गुवाहाटी में। इसके बाद अभी वो काजीरंगा नेशनल पार्क में घूम रहे हैं सुबह सुबह से, और मतलब खुद तो सोते नहीं, और विपक्षियों की नींद तो हराम करी हुई है ही। आप जो कह रहे थे वो सही है, विपक्षियों की तो नींद हराम है। और सुबह सुबह यहाँ पे एक अच्छी खबर मिली है, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं सुरेश पचौरी, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो मतलब मध्य प्रदेश में रही सही कसर बिल्कुल झाड़ू लग गई है, यहाँ पर कोई चांस बचा नहीं है। सुरेश पचौरी ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं, ब्राह्मणों पर उनकी काफी अच्छी पकड़ रही है। वो कई साल से उनको लूप लाइन में डाला हुआ था, तो आज वो छोड़छाड़ के आ गए। वो कांग्रेस यहाँ से एक तरह से समाप्त हो गई है। एक बात बता दूं, कांग्रेस जहाँ से सत्ता में हटती है दोबारा आ नहीं पाती है। आप तमिलनाडु से लेके गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश कहीं देख ले, राजस्थान में वो आप खेल बंद हो जाएगा। जो 5 साल बीजेपी की और 5 साल कांग्रेस की सरकार, अगली बार से वो भी बंद हो जाने वाला है। सर अभी मोदी जी की बात कर रहे थे हम लोग कि आज वो चले गए असम में, कल वहां से निकलेंगे तो काशी चले जाएंगे, वहां पर जाके उन्होंने पूजा अर्चना करनी है। सर ये पूरा बाकी कहाँ कश्मीर है, कहाँ दिल्ली, दूसरे असम, फिर काशी, फिर साउथ में चले जाएंगे। सर ये आदमी की एनर्जी का एक एक जो सोर्स है वो क्या है? ये एक आम आदमी, हम अपनी एज में भी ये काम नहीं कर सकते जो 73 साल की एज में वो आदमी कर रहा है, देश के लिए मर रहा है सर वो। देखिए, उनके हर क्षण वो देश के लिए जीते हैं, और आज शाम को वो काशी जा रहे हैं, कल नहीं, आज शाम को काशी पहुंच जाएंगे वो। आज आज विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे 8:45 बजे, फिर काल भैरव के दर्शन करेंगे, और फिर वो बूढ़ हुआ तो पता लगा कि स्टेशन घूमने निकल गए हैं या कहाँ सड़कों पे काम कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखने निकल जाएंगे। ये पिछली बार जब गए थे, मतलब काफी दिन हो गए, साल भर के करीब, तो रात को एकदम स्टेशन पे पहुंच गए, और सारे लोग इनको देख के भौचक के सबसे हालचाल पूछने लगे, भाई कैसे हो, क्या हो? कि हमको तो नींद आती नहीं, तुमको भी सोने नहीं देंगे। इनको राष्ट्र की चिंता के मारे ये रात भर जागते हैं। मुश्किल से मेरे ख्याल से ये 3 या 4 घंटे सोते हैं,
वो पूरी रात ही के देश को कैसे आगे बढ़ाना है इसी का पे इनका चिंतन करता रहता है। सर आप सोच के देखिए, आप रात को 2 बजे स्टेशन पे खड़े हो और सामने से मोदी आ जाए कि भाई भाई बेटा क्या हाल है तुम्हारा, कैसे चल रहा है लाइफ, तो आपका आपके ऊपर क्या बीतेगी, कैसे कनेक्ट किया है लोगों को अपने साथ, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। और ये शायद पुराने जो हमारे सनातन के जो हमारे राजे महाराजे होते थे वो भी यही काम करते थे, रात को निकलते थे भेष बदल कर देखने के लिए कि कंट्री में क्या, मेरे अपने देश में क्या हाल है, वही काम मोदी जी भी कर रहे हैं। सर मोदी जी ने एक काम और बहुत बड़ा किया है चाइना बॉर्डर के पास, जो लोगों को पता ही नहीं है, मैं वो भी दिखाता हूं आपको, फिर उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। महादेव की जय जयकार और चीन के खिलाफ ललकार, कैलाश व्यू पॉइंट से मोदी ने बदल दिया भूगोल, 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत ने ढूंढ निकाला चौथा रास्ता, चीन के सीमा से सटाकर भारत लगाएगा 5G टावर, सरकार बनाएगी होम स्टे। भारत के लोगों के जहन से डर कैसे निकाल रहे मोदी, चीन की सीमा से सटाकर मोदी बना रहे शिवधाम जहां से दिखेगा कैलाश पर्वत। चीन की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर 30 परिवारों का एक गांव, जिसकी किस्मत और सूरत रातों रात मोदी ने बदल दी है। जहां जाने से अब तक अधिकारी और प्रधानमंत्री भी कतराते थे, उस गांव में आज डर नहीं बल्कि दिवाली का माहौल है, लोग खुश हैं। उससे आखिरी गांव नहीं बल्कि देश का पहला गांव के नाम से पुकारा जा रहा है। एक दौर तो आपको याद ही होगा जब कश्मीर के लाल चौक पर भी दिन में आप नहीं जा सकते थे, आपको वहां जाने के लिए भारी भरकम सुरक्षा से यह होती थी, लेकिन मोदी राज में हिंदुस्तान ने यह हालात बदल दिया और अब बिना सुरक्षा के भी आप घाटी में कहीं भी जा सकते हैं। और उसी घाटी में अब राहुल गांधी अपनी बहन के साथ बर्फ के गोलों से खेलते भी हैं। और जिस चीन की सीमा पर 75 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाया, वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने ध्यान किया, साधना की, पूजा पाठ किया और चीन से सटे उसी सीमा पर अब पार्वती धाम भी बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की स्ट्रेटेजी बदल दी है, इंडिया अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव हो चुका है। इसके दो बड़े सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। पहला, मोदी की बदली स्ट्रेटेजी का नतीजा कि भारत के आखिरी गांवों को अब भारत का पहला गांव कहा जाने लगा है, जैसे कि माणा। माणा भी चीन की सीमा पर बसा हुआ है और उत्तराखंड में ही है। इसी तरह पिथौरागढ़ के जोलिंग कोंग के गुची गांव को भी भारत का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव कहा जाएगा। और 30 परिवार। सर चाइना बॉर्डर के पास जहां पर कभी भी कोई जाता नहीं था, वहां जाकर उसे वहां पर पूरा बना दिया है। आप सोचिए वहां से आप कैलाश देख सकते हैं, चाइना जाने की जरूरत ही नहीं है जब तक हम कैलाश को वापस नहीं ले लेते। क्या बोलेंगे सर? देखिए, वो 75 साल तक कोई गया नहीं और आखिरी गांव कहलाता था और वहां एक चाय की टपरिया थी, मैं जा चुका हूँ वहां पर, एक चाय की टपरिया थी और वहां पर लिखा हुआ था भारत का अंतिम गांव। तो वहां पे बड़ी मुश्किल से पहुंचा जाता था क्योंकि मेरे साडू का आर्मी में रहे हैं, तो मैं बोमडिला और ये सारे जगह घूम चुका हूँ, चाइना बॉर्डर तक होके आ चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहां क्या स्थिति थी। 45 किलोमीटर में अरुणाचल गया था, मुझे 5.5 घंटे लगे थे 45 किलोमीटर चलने में। ये स्थिति थी वहां पे। आज की डेट में रोड कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप बद्रीनाथ भी अब हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, अमरनाथ जा सकते हैं, ये सेवाएं थी नहीं। लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, कई तो बुजुर्ग सब घर वालों से विदा लेके जाते थे कि अब कल हम आ पाएंगे ना आ पाएंगे, 4 धाम की यात्रा पे निकले, हो सकता हमारा धाम वहीं बस जाए। उसने बहुत परिवर्तन किया है, लोग समझ नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट को नहीं समझ रहे हैं कि 360 डिग्री से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कोई कोना नहीं छोड़ा है। और एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये तो कवि की कल्पना से भी ज्यादा इनकी कल्पना बड़ी तेज है कि कहां क्या क्या हो सकता है। रवि का मतलब सूर्य है, कि जहां सूर्य नहीं पहुंचता है उससे भी आगे कवि की कल्पना पहुंच जाती है। पर मोदी जी की कल्पना तो भाई कोई उसका जवाब नहीं, अपरंपार है। मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ कल बात कर रहा था, दे वांटेड टू गो फॉर 4 धाम की यात्रा जो उत्तराखंड में है, तो एक हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है मैंने बुक कराई है उनके लिए, वो चारों जो धाम है उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू वो घूमने जा रहे हैं। और उनको उनको भी था कि मैं अपने लाइफ टाइम में ये काम करूं, अभी वो पॉसिबल हो गया है, तो दे आर गोइंग टू गो। ये सिर्फ श्रेय जाता है मोदी जी के लिए। सर मोदी जी के बारे में कि मोदी जी की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूं कि हमें उनकी स्ट्रेंथ समझ ही नहीं आती।
प्रशांत किशोर ने उनकी स्ट्रेंथ का रीजन बताया है, वो पहले देखते हैं फिर टिप्पणी करेंगे। मोदी जी जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, अगर आप मैं इस तरह से बताऊं कि मोदी जी की ताकत क्या है, मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो बहुत बड़े ओरेटर है, मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो हिंदुत्ववादी सारी शक्तियां उनकी मदद करें, मोदी जी की ताकत ये है कि जो 45 साल का उनका एक्सपीरियंस मिक्स है, 15 साल तक जब मोदी जी संघ के प्रचारक थे, फिर 15 साल वो बीजेपी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के तौर पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने चलाने इलेक्शन लड़ने को समझा, फिर करीब 15 साल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, पहले चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। अगर आप इस 45 साल के एक्सपीरियंस मिक्स को साथ में कर दें तो देश में बहुत कम लोग होंगे जिसको इस तरह का डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा। लोगों को लग रहा है कि ये टीवी पे ऐड आ रहे हैं या बहुत प्रचार चल रहा है या मीडिया पर कब्जा कर लिया इसलिए मोदी जी की ताकत है, ऐसा नहीं है। जब तक आप उनकी ताकत को नहीं समझेंगे तब तक आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सर इससे ज्यादा अच्छी तरीके से मुझे नहीं लगता किसी ने भी एक्सप्लेन मोदी जी की पावर को किया होगा, क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही, मोदी जी ने खुद, हमने पिछले दिनों वीडियो दिखाया था कि भाई अनुभव है नहीं और आप मैदान में उतर जाओगे तो मुंह की खाओगे। राहुल गांधी को कोई अनुभव नहीं, सोनिया गांधी को अनुभव नहीं, एक पपेट उन्होंने बिठा के रखा था जिसको सिर्फ इकोनॉमी आती थी और वो कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट था वो हम लोग 10 साल में देख चुके हैं। अनुभव का एक अपना युग है और इन्होंने 8 साल तक आध्यात्म में पूरा अपने को डुबो के रखा है, तो उस आध्यात्म की शक्ति भी है जो इनका इनर है वो हमेशा जागृत रहता है। ये सोए हों तो भी इनके दिमाग में कुछ ना कुछ, सपनों में कुछ ना कुछ ये ऐसे सपने देखने के कल सुबह उठ के मुझे पूरा करना है। सर मोदी जी ने कल एक और प्रोग्राम किया जहां पर उन्होंने लिब्रांडों को बड़े ही खूबसूरती से उन्हीं के मंच के ऊपर धोया। पहले मैं दिखाता हूं, छोटा सा वीडियो है, मजा आया था मोदी जी का ये स्टाइल देखकर और यही उनकी मुंह पर बोलते हैं और इन्हीं को देखकर हमने भी मुंह देखिया। और मिशन लाइफ के पीछे मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपकी लाइफस्टाइल ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एसी कार में बैठ करके जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, फिर एसी कार में बैठ करके घर वापस आएंगे और फिर 5-स्टार होटल में जाकर के एनवायरनमेंट पर भाषण देंगे। सर इससे ज्यादा क्लियरली कोई बोल नहीं सकता लिब्रांडुओं के लिए। देखिए ये एनजीओ और ग्रीन एनर्जी वालों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने इतने सालों से एनवायरनमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया और अपने घर भर लिए हैं। बहुत सीधा कह रहे हैं कि आप प्रकृति के संपर्क में रहिए। भाई आप प्रकृति के संपर्क में रहते नहीं है, कृत्रिम जीवन जीते हैं, 24 घंटे एसी में घूमते हैं, पैदल चलना चाहते नहीं है। आपको आधा किलोमीटर भी जाना होगा 2-व्हीलर 4-व्हीलर उठाएंगे और आप जाएंगे। लोगों ने पैदल चलना बंद कर दिया है, 24 घंटे घर में स्लीपर पहन के घूमते हैं। अरे भाई घर में तो साफ रहता है, नंगे पांव ही घर में घूम लो। ये सब पुरानी परंपराएं छोड़ छोड़ के अंग्रेजों की दी हुई परंपराओं का हम लोग पालन करने लगे और मोदी जी उसी को कह रहे हैं कि आप अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटिए, जड़ों को मत भूलिए। सर उनका एक इशारा और भी था, जो लिब्रांडो है वही ज्यादा एनवायरमेंट एनवायरमेंट की बात करते हैं। जब भी हम कोई रेलवे का प्रोजेक्ट है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, ये खड़े हो जाते हैं कि इस पेड़ को मत काटिए। भाई आपको एनवायरमेंट की इतनी ही चिंता है तो एसी बंद कर दीजिए। वो इशारा उनका उस वक्त था कि आप जो बोलते हैं वो करनी और धरनी में दोनों में फर्क है, ये आपका बोलना कुछ और है करना कुछ और है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से भिगो भिगो के जूतों में दाल बाटी है कल उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर। सर एक हमने मुहिम और चलाई थी, आपका एक शब्द सुधार लूं, करनी और धरनी नहीं होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी, सर मेरी हिंदी आपको पता है, मैं तो थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ अभी। मैं तो एडमिट करता हूँ कि मेरी हिंदी अभी इतनी अच्छी नहीं है। वो मीना जी आती है यहाँ पर बोलती है कि सुबह जी आपकी हिंदी सुनकर तो मुझे हंसी आ जाती है। चलिए अगर हमारी हिंदी सुनकर ही आपको हंसी आती है एटलीस्ट पप्पू की तरह नहीं है। सर हमने एक लोगों से आह्वान किया था वैदिक क्लॉक को डाउनलोड करने का, बहुत लोगों ने पूछा, हमने सबका जवाब भी दिया।
हजारों लोगों ने उस वैदिक डिजिटल क्लॉक को डाउनलोड किया। मैं पहले दिखाता हूं कौन सी डिजिटल क्लॉक है और षड्यंत्र हमारे खिलाफ कैसे रचा गया, उसे हैक कर लिया गया, बंद करा दिया गया। मैं दिखाता हूं दोस्तों, ये है वो वैदिक क्लॉक जिसके बारे में हमने बात किया था अपने शो के अंदर, वैदिक डिजिटल क्लॉक। और अब हमें पता लगा है कि हजारों लोगों ने इसको डाउनलोड किया, इसको यूज करना शुरू किया, लेकिन षड्यंत्र ऐसा है सनातन के अगेंस्ट, इसको हैक कर लिया गया है और इसे बंद करवा दिया गया है। ये अभी आजकल में अपडेट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हमारी बात हो रही है इनके साथ। लेकिन ये है षड्यंत्र जो हमारे सनातन के खिलाफ खेला जा रहा है। सर, हमने इसको प्रमोट किया ताकि लोग पूछते हैं कि भाई इसको यूज कैसे करना है। भाई इसमें दो ही चीजें हैं, आपके दिन में जो 24 घंटे हैं उसमें कौन से ऑस्पिशियस टाइम है जिसमें आप काम कर सकते हैं, कौन से नॉन ऑस्पिशियस टाइम है उसको अवॉइड करेंगे तो आपके जो बिगड़े हुए काम है, बल्कि चलते हुए काम रुकेंगे नहीं। बस इतना ही सिंपल सिस्टम है, इसको भी हैक कर लिया गया। सर देखिए, कल मैंने भोपाल कमिश्नर से भी बात की थी, उज्जैन में बात की थी, तो उनका ये कहना था कि ये साइबर हैकिंग हो गई है, इसकी साइबर अटैक हुआ है बाहर से कहीं से, और आज उसको ठीक कर लिया गया है, लोग उसको यूज कर सकते हैं। मुझे कई लोगों ने तरीका पूछा, मेरा इतना निवेदन है भाई, डाउनलोड करके थोड़ी अकल लगाओ, हर चीज मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है। सर हमने बता दिया कैसे यूज करना है, लिखा हुआ वहां पे ऑस्पिशियस टाइम एंड नॉन ऑस्पिशियस टाइम, और काफी लैंग्वेजेस हैं, आप अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। सर इसके साथ साथ वैदिक क्लॉक का तो हमने दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, एक मुद्दा और है। यहाँ पे एक सुरेश मेनन जी आते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें मोमेंट से बहुत ज्यादा प्यार है। कल उनके पिछवाड़े पर लात मारी गई जो कि लगनी चाहिए थी 75 साल पहले, लेकिन नहीं लगाई। मैं दोबारा से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मुझे मालूम है कल रात को हमने ये लात मारने वाली वीडियो दिखाई थी तो मेरे अकाउंट के ऊपर स्ट्राइक लगा दिया यूट्यूब ने कि भाई आपने मुसलमान को लात मारते हुए दिखा दिया, ये तो बड़ा पाप का काम किया आपने। तो मैं दोबारा दिखाता हूं, मुझे स्ट्राइक का मतलब ही नहीं है, कोई मजा आता है जब ऐसे सुरेश मेनन जैसे लोगों के पिछवाड़े में लात लगती है। आप देखिए सर, ये जो लात लगाई है उसके पीछे, और उस बंदे को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे में से कितने लोगों ने, जो दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने आवाज उठाई, सड़क तो वो दिल्ली में ही जाम कर रहे थे, जनता की भला के लिए कर रहे थे। मुसलमान अगर कोई होता तो उसके लिए पूरा समाज, पूरा समुदाय निकल के सड़कों पे आ जाता कि इसका सस्पेंशन वापस लो। हम लोग दिल्ली में नहीं रहते पर जुड़े हुए हैं लोगों से, उसका सस्पेंशन हम लोग वापस करवाने पर लगे हुए हैं। पर मेरा यही कहना है, आप बाहर निकलकर क्यों नहीं आते, क्यों घर में बैठ के तमाशा देखते हैं? कल ये सारी घटनाएं आपके साथ भी हो सकती है, ये मत सोचिए कि आप घर में सुरक्षित हैं। बाहर निकलना सीखिए, यूनिटी बनाइए और गलत का पुरजोर तरीके से विरोध करिए। महेश जी आपने बोला है, सैल्यूट है उस पुलिस ऑफिसर के लिए, वो सस्पेंड कर दिया गया, क्या अब आपको सैल्यूट किया जाए कि भाई उसको सस्पेंड कर दिया गया, कोई भी आवाज नहीं है, हम लोग लगे हैं उसको भी बहाल करवाने के लिए, ऐसा नहीं है छोड़ने वाले हम भी नहीं है, लेकिन हमारा सबका भी मिलकर एक फर्ज बनता है, व्हाई नॉट स्पीक अगेंस्ट इट। भाई जब एक जैन मुनि को लिंचिंग किया था, क्या कोई वहां से उठकर आया? लेकिन अगर मोमिन का एक बंदे का भी कोई लिंचिंग होता है कहीं भी, क्योंकि वो लिंचिंग करिया है, हमने रिएक्ट किया, पूरे दुनिया में वो चीजें वायरल होती हैं और दंगे होने शुरू हो जाते हैं। यही फर्क है इन कमीनों में और हमारे में, और इसलिए वो हमारे ऊपर हावी भी होते हैं। लेकिन अब एक और चीज है, मोदी जी हैं, उन्होंने इनकी रियलिटी भी हमें दिखा दी। एक रियलिटी हमें पता लगी कल पाकिस्तान की, देखिए मोमिन है तो इनकी रियलिटी जैसे अभी लात मारते हुए हमने दिखाया है, इनकी रियलिटी एक और है जो दिखानी तो बनती ही है। इनका आर्मी चीफ कल जो ये वो कहते हैं ना कि परेड मार्च होती है उसके सामने वो अपना वो चलते हैं, तो कल वो ले रहे थे मार्च ले रहे थे, मैं आपको दिखाता हूं आर्मी चीफ चल रहा है इनके फौजियों के सामने, गार्ड ऑफ ऑनर जिसको बोलते हैं। आ, 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 आ,
मामा प्रीता 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 सर ये था आर्मी चीफ पाकिस्तान का, गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा था जवानों से। यस तो गार्ड ऑफ ऑनर इसी तरह गधे की तरह ही चिल्लाते रहते हैं, होता जाता कुछ नहीं है, उनके पास एक ही काम है गधे की तरह आप रेखते रहो। सर वो आपने सुना नहीं, एंड में जब पूरा गार्ड ऑफ ऑनर ले लिया साइड पे खड़े होके ऊंची ऊंची बोल रहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो गधा बोल रहा था और बाकी सब बोल रहे थे करके उसको गलत है कि तुम बहुत अच्छी बात बोल रहा है। तो ये है पाकिस्तान के गार्ड ऑफ ऑनर जिसको दिखाना तो बनता ही था। देखिए आफ्टर ऑल हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पड़ोसियों से मिलजुल कर रहना चाहिए। सर इन्हीं के साथ प्यार करने वाली हमारी आपकी आवाज आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आज? हाँ ब्रेक होके आ रही है सर। आज थोड़ा सा मुझे लगता है नेट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। देखिए आपको मालूम है पंजाब में हूँ, यहाँ पर कोई भी चीज चलती नहीं है, हर चीज रुकी हुई है, बिजली आती नहीं है, दिन में 6-7 बार यहाँ पर पावर कट होता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही होगी। सर एक और चीज है जो लोग कई बार बोलते हैं कि सोनिया गांधी, आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे बाकी शाम को करेंगे। सोनिया गांधी की रियलिटी भी हमें पता लगनी चाहिए, 24 के इलेक्शन पास में है, सोनिया गंदगी क्या चीज है और ये गांधी फैमिली क्या चीज है, इसके ऊपर छोटा सा वीडियो देखते हैं उसके ऊपर वाइंड अप करेंगे। अगर सब कुछ सही था तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, उसने हर कदम पर झूठ बोला, यहां तक कि जन्म स्थान से लेकर उसके असली नाम तक। हाँ ये सोनिया गांधी के बारे में है। बता दें कि सोनिया गांधी की शादी पूर्व पीएम राजीव गांधी से हुई थी। उनका कहना था कि वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन वहां सोनिया नाम की कोई स्टूडेंट्स थी ही नहीं, यहां तक कि उनके असली नाम की भी कोई स्टूडेंट नहीं थी। एक रिटायर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मलय कृष्णधर के द्वारा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में यह खुलासा हुआ है। बता दें कि मलय कृष्णधर ने 29 वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा दी है। उन्होंने इस किताब में लिखा कि इंदिरा सरकार के कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद केजीबी रूस की जासूसी एजेंसी के लिए काम करते थे, केजीबी ने इसके लिए मोटी रकम देता था। मलय कृष्णधर ने उनकी किताब में कुछ जाने माने तथ्य और पब्लिक सीक्रेटों को प्रकाशित किया है। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी गई जासूस है। वर्ष 1985 में रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी द्वारा $2 बिलियन यानी कि 94 करोड़ रुपए राहुल गांधी के स्विस बैंक खाते में जमा किए गए थे, जो कि सोनिया गांधी द्वारा मैनेज किया जाता था। स्विस न्यूज मैगजीन में भी यह दर्शाया गया था कि केजीबी ने सोनिया गांधी जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित है उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी गई। अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई होती तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, वैज्ञानिकता और टेक्नोलॉजी विकास सहित हमारी व्यापारिक गतिविधियां रूस, रोम और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक तरह से खुली किताब के समान हो जाती। इटालियन माफिया भारतीय इंडस्ट्रीज और व्यापार पर अपना दबदबा कायम कर लेता, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता। कृष्णधर द्वारा जुटाए गए कुछ सबूत सोनिया गांधी को रशियन एजेंट साबित करते हैं। जवाहर सर ये है रियलिटी सोनिया गंदगी की, और इनकी पार्टी का ये हाल है कि इनकी सूची भी बाहर नहीं आ रही कि कौन किस सीट से लड़ेगा। देखिए ये पहले केजीबी की एजेंट थी और अब सीसीपी की एजेंट हो गई है। 2008 से इनको चाइना से बढ़िया मोटा माल मिलता है। अब पर स्विस बैंक में क्या हो गया है कि अब स्विस बैंक में इनका अकाउंट फ्रीज हो गया है। एक खबर और बता दूं आपको, SBI ने जो इनका अकाउंट सीज किया था कांग्रेस का, उसके लिए इन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील करी थी, वो रिजेक्ट हो गई है। तो चुनाव का पैसा इनके पास अभी वादे पड़ रहे हैं चुनाव के, और मुझे लगता मम्मम के भी वो वादे पड़ेंगे। चुनाव तो ठीक है, कांग्रेसियों को मम्मम के वादे पड़ जाएंगे कि जो पैसा आता है उसमें कुछ घर का मम्मम भी चलता है। तो ये हो गया है, प्लस यूपी में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो वायनाड छोड़ के अमेठी आ जाए, तो कल दोबारा वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगे। ये टिकट 39 टिकट्स कल डिक्लेयर हुए, तो इनके तो बुरे हाल होना है। साथ में इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया, अपने सारे सांसदों को बोल दिया है कि भैया अपनी लड़ाई आपने ही लड़नी है, हमारे से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है।
क्या लगता है आपको कि जो ये पैसे पीछे सीज किए थे सारे के सारे कांग्रेसियों के, अब इनके पास पैसों की कमी है पार्टी के पास? देखिए पार्टी के पास कमी है, गांधी फैमिली के पास कोई कमी नहीं है। ये अगर चलाना चाहे पार्टी तो अरबों रुपए की संपत्ति है, रियल एस्टेट में काफी इनका पैसा है, उसको बेच के ये चाहे तो पार्टी खड़ी कर सकते हैं। इनको पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, इनका सिर्फ इंटरेस्ट पैसे में है। और शायद हो सकता है कि 2-4 साल बाद आप सुने कि अपना पैसा समेट के बाहर भाग गए। सुरेश जी आप हमेशा पूछते रहते हैं मेरे किड्स कितने हैं, भाई मेरी पर्सनल लाइफ से आपको मतलब क्या है? ये क्वेश्चन सिर्फ कोई मोमिन ही पूछ सकता है। सर आपकी वाइफ कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, क्यों आपको अगवा करके लेके जाना क्या? तो प्लीज आप अपने अपने क्वेश्चन को अपने पास रखिए, मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ मेरी अपनी है, व्हाई डू वांट टू एंटर इनटू दिस एंड व्हाई यू ओनली वांट टू एंटर इनटू कि भाई मुसलमान क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, मुसलमानों के कितने मस्जिदें हैं इंडिया में, कितने मंदिर तोड़ दिए, आपको हमेशा मुसलमानों से ही प्यार क्यों है? मुझे मालूम है कि पहले आयन टाइप का आदमी था, वो भी मोमिन था, भाग गया, अब आपका नंबर है, क्योंकि आप भी मोमिन से कम नहीं है और हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है प्लीज आना बंद कर दीजिए, बट आई डोंट वांट एनी टारगेटेड क्वेश्चंस ऑन अवर लाइफ्स एंड अवर रिलीजन, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे मोमिन की मैंने दिखा दी लात लगती है तुम्हारे ऊपर, वो वैसे ही लात तुम्हारे ऊपर पड़ने वाली है, दोबारा से मैं ये हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी टू से दैट। सर अभी जो वायनाड है, वायनाड से वो लड़ेगा, अमेठी में नहीं आएगा, सोची जाहिर नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ मोदी जी हैं, क्या तैयारी है? मैंने दिल्ली में बात करी मंत्रियों से, बात करने के लिए मैंने बोला उनको कि मैं मिलना चाहता हूं, कोई भी दिल्ली में नहीं है सर, सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, एक भी बीजेपी का विधायक अवेलेबल नहीं है दिल्ली के अंदर। देखिए ये बीजेपी तो पिछले 3 साल से अपने लक्ष्य की ओर लगी हुई है कि 370 से ऊपर लेके आना, और ये अभी भारत भ्रमण ही कर रहे हैं, वो जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा डार वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, जहां से निकलते हैं वहां ऐसी बेवकूफियां करते हैं कि रहा सहा जो भी बेस है वो सरकता जा रहा है। ये अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश से निकल के गया है और मध्य प्रदेश में लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, असम में गए वहां ये हाल हो गया, अरुणाचल में गए वहां ये हाल हो गया, तो इनका तो कुछ होना जाना नहीं है, एक भ्रम में जी रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे नहीं होता, आभासी दुनिया है ये, आभासी दुनिया में लोग इश्क भी लड़ा लेते हैं, माँ बाप भी बन जाते हैं, सब हो जाता है, तो ये भी आभासी दुनिया में रह रहा है, रहने दीजिए, बहुत जल्दी जमीन पे आएगा चुनाव के बाद। सर एक काम और हो गया, जो यूके का प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उसकी सास वो भी आरएसएस को ज्वाइन कर रही है सर, ओ आरएसएस कहती है, बीजेपी को ज्वाइन कर रही है? बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रही, उसको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है, उसके मतलब सोशल सर्विस को देखते हुए, और एक बहुत अच्छा सिलेक्शन है। इसके अलावा ऋषि सुनक ने 300 करोड़ अकाउंट सीज कर दिए हैं खलिस्तानियों के, ये पहली बार हो रहा, और उसमें 100 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कल हम एक खबर बताना भूल गए थे, उत्तर प्रदेश में 18,000 मदरसे चल रहे थे करीबन, उसमें से 13,000 इलीगल थे, उनकी फंडिंग कहाँ से आती है उसका कोई उनके पास जवाब नहीं था, पैसा कहाँ खर्च किया उसका कोई जवाब नहीं था, तो वो 13,000 मदरसे बंद हो रहे हैं। 13,000 मदरसे बंद हो गए सर, ये सुरेश मैनन वैसे तो भाग्य लगता है, लेकिन उसको बड़ी खुशी होगी सुनकर कि भाई तुम्हारे 13,000 मदरसे बंद करा दी गई हैं, और जो जिहाद की फैक्ट्रियां आहिस्ता आहिस्ता बंद होने की कगार पर आ चुकी है, इससे बढ़िया न्यूज नहीं हो सकती। और खालिस्तानी है, कल मुझे यूके से किसी बंदे का फोन आया था, वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो काम क्यों नहीं कर रही, इनके अकाउंट्स फ्रीज क्यों नहीं करती? तो भैया मैं आपको बता दूं, वहां पर अगर खाते खोले हुए हैं खालिस्तानियों ने, वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, हम उनकी गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, मैंने उनको बताया भी था कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगी हुई है उनके अकाउंट्स को सीज करवाने के लिए, और वो काम हो गया, कल ही बोला है, बाई चांस की बात है कि कल ही हो जाता है, मुझे लगता है सरस्वती जो आपके जुबान पर बैठी है कहीं ना कहीं मेरे पास भी आ जाती है कई बार, उनको पता है कि दोनों इकट्ठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी खेल कर रही है, लेकिन वो काम कल ही हो गया, कल ही मैंने बोला था, बाई चांस की बात है। तो ये काम हो रहा है बैकग्राउंड में, लोगों को समझ ही नहीं आता कि मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट कहां पे किस किस लेवल पर काम कर रही है, और इसीलिए जो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, वो तो सही है, लेकिन अभी भी सेक्युलर हिंदू
अभी भी समझ नहीं रहा कि कितना बड़ा फर्क है पुरानी गवर्नमेंट्स में और अब में। सर हमने बोला था 20 मिनट की वीडियो बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे आज। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मोदी जी हाथी के ऊपर सैर कर रहे हैं असम में, हमें भी उठा दिया, और जैसे लात मारकर मोमिन को सड़क से उठाया था वैसे ही उन्होंने हमें भी उठा दिया, और हम भी लगे हैं सुबह सुबह वीडियो बनाने के लिए। छुट्टी का टाइम है, एंजॉय कीजिए, और शाम को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।